कंडीशन नहीं थी आज, काफी हवा थी और मतलब एक दो वार्म अप होता है थोड़ा, मतलब पहले दो तीन तक वैसा फील बाद, और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी, तो लास्ट तक वो था अंदर, पर हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है, और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे इससे। काफी अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज, आई थिंक 3 throw over 90 meter की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई, और हाँ थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था मुझे, अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे। 90 meter थ्रो इजीली नहीं गई, वो एफर्ट लगा है एंडरसन पीटर्स का, और शायद इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उसको उसने कैसे मैनेज किया। होता है कई बार हमारी बॉडी ऐसी चलती है कि भाई हाँ उस दिन हम अच्छा कर ही देते हैं, तो हाँ आज पीटर का मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ एक एथलीट का दिन होता है, आज उसने काफी अच्छा किया, उसका दिन था और वो उस चीज को मैनेज कर पाया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे इंडियन बने हैं आप वर्ल्ड एथलेटिक में मेडल जीतने वाले, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बढ़िया है अपने देश के लिए, और भी अच्छी बात यह है कि हमारे काफी एथलीट फाइनल में पहुंचे, वो भी एक बहुत अच्छा रहा। आपको कॉमनवेल्थ जाना है, कॉमनवेल्थ की तैयारी में क्या था आपको लगी? अब कॉमनवेल्थ की तैयारी और कितनी पुख्ता होंगी इसके बाद? अभी तो टाइम ही नहीं है जी पुख्ता करने का, अभी तो जैसे भी है बस उसको मैनेज करना है, बस उसी को कोशिश करेंगे कि बीसी को मेंटेन करके रखें। तो पूरी उम्मीद हम भी लगा के रखेंगे, जब आप भारत आएंगे तो आप सिल्वर और गोल्ड दोनों लेके आएंगे, कॉमनवेल्थ से आप गोल्ड जरूर लाएंगे। बस अपना बेस्ट देंगे जी, बाकी तो उसी टाइम पता लगेगा।